से कन्हैया जी बात करें अगर बिनौला खली की कपास खली की, तो कपास खली में हमने देखा था 3400 का लेवल देखने को मिला, फिर वहाँ पे 3300 के लेवल पर स्टक हो गया, 3300 पर एक सीमित दायरे में कारोबार दर्ज किया गया। अब देख रहे हैं कि 3300 से लुढ़क कर अब 3100 तक कारोबार करता नजर आ रहा है, 3100 के स्तर पर इस वक्त बिनौला खल टिका हुआ है। आपको क्या लग रहा है यहाँ से बिनौला खल में क्या अभी और कमजोरी बनेगी? देखिए बिनौला खल के अंदर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको लगातार आपसे चर्चा भी की थी कि जब बिनौला खल तेज चल रही थी हम और हम एडवांस में आपको बोला था कि हमें खली अच्छी लग रही है क्योंकि कॉटन के भाव बहुत तेजी से बढ़े हैं। और कॉटन को देखो, यदि आप 25 जनवरी सन 2021 को जो कॉटन के जो भाव थे 20 जनवरी सन 2022 मतलब करेक्शन, ये कॉटन के जो भाव 20 जनवरी जोन 2022 और 26 मार्च 2021 के यदि देखें तो आपको ताज्जुब हो जाएगा कि 26 मार्च सन 2021 को कॉटन के भाव 20,150 के थे और 20 जनवरी 2022 को 37,460 के भाव थे। तो आप समझ सकते हो कि लगभग 80-90% की एक तरफा तेजी पूरे टाइम में रही, तो उसका उसका प्रभाव भी खली पर पड़ा, कपास खली पे कॉटन सीड ऑयल कैक के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा। अब पॉइंट ये है कि कुकुट के अंदर जैसे देखें, यदि पूरा प्रसाइज हम देख लें तो फरवरी सन 2021 में इसका भाव 2083 रुपए पे था और 7 जनवरी को इसी साल इसी कुछ दो सप्ताह पहले इसने 3440 का टॉप बना दिया था। तो 2083 से 3440 का यानी 3440 के जो भाव हैं लगभग 85-90% की जो ये तेजी है, इस तेजी के अंदर भी यदि कोई मुनाफा ना कमा पाए तो उससे उस एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो आपको याद होगा कि लगभग एक हफ्ते पहले डेढ़ हफ्ते पहले जब ये हाई बन गया था 3400 का जो 3440 का जो भाव का जो ये हाई बना था, उस वक्त आप याद कीजिए हमने ये कहा था ये जो भाव है इन भाव के ऊपर मैं मुनाफा वसूल करूंगा, यदि मेरे पास माल होगा तो मैं मुनाफा वसूल करूंगा। उसके बाद देख लीजिए कि लगभग 10% की लगभग गिरावट हो चुकी है, 8-10% की। तो सवाल ये है कि जब उच्चतम स्तर के ऊपर आप मुनाफा वसूल नहीं करेंगे, पेड़ के ऊपर यदि फल लगा हुआ है उसको पक चुक तोड़ेंगे तो एक समय के बाद वो सूखने लगेगा और उसको पक्षी खाएंगे या फिर एक समय के बाद वो वृक्ष भी उसको ऑटोमेटिक वो गिर जाएगा और बीज के रूप में काम आएगा। तो आपको ये है कि फल पकने का इंतजार के बाद में फल खा लेना चाहिए, तोड़ लेना चाहिए या अपना मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए। जो नहीं करेगा उसको परेशानियां होंगी। अब यही मैं धनिये के ऊपर आपसे मैं चर्चा कर रहा था, ये सेम चीज मैं तब खली के ऊपर बोल रहा हूं कि टाइमली यदि आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो आपको परेशानी होगी। कपास खली के अंदर अभी भी कुछ परेशानियां आई मीन से कुछ मुनाफा वसूली होगी क्योंकि ये एक पका हुआ आम है तो इसको तोड़ना ही उचित है, यदि नहीं करोगे तो परेशानियां रहेंगी। लेकिन कपास खली के अंदर होगी बड़ी तेजी, इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन कब इसके लिए भी हम आपको जब तेजी होगी उससे पहले एग्जैक्ट आपको पहले हम लोग आपको आगाह करेंगे कि यहां से माल पकड़ लो, ये यहां तक इतना नीचे जा सकता है इसके बाद माल पकड़ लो। इंटरडे ट्रेडिंग के लिए कपास खली के अंदर आज कमजोरी देखी जा सकती है। जी अखिलेश जी। जी कनल जी, फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई, अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।